तो दोस्तों आज हम आए हैं दोबारा से लाजपत नगर, यहाँ पे साईं बाबा जी का भंडारा करवाते हैं अंकल, पूरी अंकल, जैसे कि आपने पीछे वीडियो में देखा होगा। तो आज हम आपको बताने हैं कि आज हम आपको दिखाने हैं, यहाँ पे लगती है माता की चौकी। अभी चैत्र नवरात्रि चल रहे, इस पे भी लगती है, पूरे 8 के 8 दिन अष्टमी तक लगती है, और जब दशहरे वाली आती है, दिवाली वाली नवरात्रि, तब भी यहाँ पे पूरी की पूरी चौकी लगती है। तो ये 7 बजे से 10 बजे तक लगती है। हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो मेन करवाते हैं यहाँ की चौकी, मिस्टर सुभाष मल्होत्रा जी, उनसे भी बात करवाएंगे। और चलिए दोस्तों आपको पहले मंदिर दिखाते हैं, काफी खूबसूरत मंदिर है। और ऐसे ही यहाँ पे मेला लगा रहा था पूरे नवरात्रों में, तो हम आपको बोलेंगे लाजपत नगर अगर आते हैं तो आप यहाँ पे भी जरूर दर्शन करें, गुफा भी है यहाँ पे खूबसूरत, आइए आपको दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम मंदिर की गुफा में जा रहे हैं, और अभी हम नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर काफी बड़ी शेर की मूर्ति थी, जैसे कि मंदिर के दोनों द्वार पे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे एक पहाड़ टाइप इन्होंने बना रखा है, और भगवान के, गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पानी की व्यवस्था भी है, अगर आप जाएंगे तो आपको पूरा फील आए गुफा का। ये देख सकते हैं आप काफी बड़ी गुफा है, यहाँ पे शिव जी की शिवलिंग है, इनके दर्शन कर सकते हैं, भोले भंडारी के दर्शन कर सकते हैं। टीका लगवा यहाँ गुफा के अंदर आप पिंडी के दर्शन कर सकते हैं माता रानी के। देखिए गुफा काफी बड़ी है दोस्तों। गुफा यहाँ तक है, आप देख सकते हैं काफी लंबी थी और काफी ज्यादा पानी भी था अंदर, पूरा पहाड़ों वाली फीलिंग है, और माता की पिंडी के दर्शन भी है। तो आइए मंदिर के बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, गुफा के बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, और साईं बाबा का मंदिर है उसके भी दर्शन करवाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से कर सकते हैं साईं बाबा जी के दर्शन, ये बिल्कुल चौकी के साथ ही मंदिर है, एक नीचे बड़ा, उसके साथ फर्स्ट फ्लोर पे साईं बाबा जी के मंदिर है, और ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत मंदिर है, काफी ज्यादा रश भी रहता है यहाँ पे हर गुरुवार को तो खासकर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 घंटे शिरडी साईं बाबा जी की भी वीडियो चलती रहती है, तो वो भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है साईं मंदिर, हम सुभाष मल्होत्रा जी से फिर आपकी बात करवाएंगे और जानेंगे ये चौकी के बारे में और इस मंदिर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हम हरे कृष्णा मंदिर में आ गए हैं, तो यहाँ पे श्री सुभाष मल्होत्रा जी से हम बात करवाएंगे, जो कि पूर्व निगम पार्षद और इस मंदिर के प्रधान भी हैं। तो आप सबसे पहले, आपको नमस्कार और ओम साई राम, जय माता दी। तो आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे इस मंदिर का एड्रेस, अगर कोई आना चाहे, जैसा कि अभी हमने पूरे मंदिर के दर्शन करवाए, नीचे गुफा भी दिखाई, इस मंदिर का पूरा मतलब यहाँ पे अगर आना चाहे तो कैसे है? इस मंदिर का नाम है हरे कृष्णा मंदिर गुफा वाला एवं साईं स्मारक, बी ब्लॉक, लाजपत नगर 1। लाजपत नगर 1 जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लाजपत नगर 1, 2, 3, 4 तक है, और ये लाजपत नगर 1 में है। और यहाँ पर आप देख रहे हो नवरात्रि का महोत्सव बड़ी धूमधाम से कई सालों से मनाया जा रहा है, हमने जब से हो संभाला है,
इस मंदिर के अंदर सेवा कर रहे हैं और हर 6 महीने बाद यहाँ नवरात्रे का महोत्सव होता है और जो भी हिंदू त्यौहार होते हैं हम यहाँ पर बड़े धूमधाम सबके साथ मिलकर मनाते हैं और सबका सहयोग यहाँ पर रहता है, युवा लड़कों का भी, मंडली का, महिला मंडली का भी, और काफ़ी हमारी टीम है जो यहाँ पर सहयोग करती रहती है। तो यहाँ पे अगर कोई भक्त आता है दर्शन करने और गुफा में आना चाहता है तो गुफा कब कब यहाँ पे खुली रहती है? गुफा वैसे नॉर्मली हम नवरात्रों में ही खोलते हैं हर 6 महीने के बाद। अगर कोई स्पेशल आता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जो भी गुफा के दर्शन करना चाहता है तो वो हमें जब बताता है तो हम वैसे गुफा उसके लिए खोल देते हैं, लेकिन नॉर्मली गुफा जो है वो हर 6 महीने बाद यहाँ पर खुलती है। और यहाँ पे जैसे कि चैत्र नवरात्र चल रहे हैं तो इसमें इस टाइम में भी नवरात्रों के टाइम पे गुफा खुलती है और चौकी लगती है, और ये दिवाली के टाइम पे नवरात्र होते हैं उसमें भी आप दोनों नवरात्र, मतलब दोनों नवरात्रों के अंदर ही गुफा खुलती है और हर 6 महीने बाद चाहे कोई सुख हो या दुख हो, चाहे हमारा कोई मेंबर भगवान ना करे किसी को प्यारा हो जाता है भगवान को, तब भी ये काम ऐसे ही चलता रहता है। और मेरे पिताजी यहाँ पहले प्रधान थे, पूर्व निगम पार्षद भी थे श्री तिलकराज मल्होत्रा जी, उनका इन्हीं नवरात्रों के अंदर मतलब देहांत हुआ था और मुझे कई टीम ने बोला कि प्रधान जी की डेथ हुई है तो ये नवरात्रे का महोत्सव नहीं मनाया जाएगा। तो मैंने बड़ा पत्थर रख के उस टाइम निर्णय लिया था कि कोई भी मेंबर जिसका देहांत होगा, चाहे वो कोई भी हो, नवरात्रे ऐसे ही चलते रहेंगे, नवरात्रे कभी नहीं रुकेंगे, और चाहे मैं भी रहूं या ना रहूं हमारी ये टीम खड़ी है और भी लोग जो हमारे यहाँ पर सहयोग करते हैं, मेरी उनको भी प्रेरणा यही रहेगी कि चाहे कोई भी दुख सुख हो ये नवरात्रे का महोत्सव ऐसे ही हम मनाते रहे और माँ से देश के लिए, क्षेत्र के लिए, अपनी ब्लॉक के लिए खुशहाली मांगते रहे। तो माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर यहाँ पे किसी को चौकी करवानी हो तो और लोग भी करवा सकते हैं, कैसा जो मर्जी चौकी करा सकता है और किसी को कोई ये नहीं है कि इतना खर्चा आएगा, लेकिन मैं जो लोग ये कहते हैं कि मैं अपने घर में चौकी कराऊंगा तो मेरी उसको ये प्रेरणा रहती है कि वो घर में चौकी कराए। अगर जो कही कहता है कि मैं चौकी करवाऊंगा तो मैं ये कहता हूँ कि मंदिर में चौकी करवाए, और कोई ये नहीं है कि इतने पैसे में ही करानी है, जो मर्जी दे, बाकी मंदिर और हम लोगों का सहयोग यहाँ पर रहता है, हम मिलजुल कर ये कार्य करते हैं। और जितने भी यहाँ पर चौकी करने वाले आते हैं, मतलब जो गायक होते हैं, बड़े नॉर्मली रेट पे हम यहाँ पर करते हैं, और उनको मैं ये कहता हूँ जो अच्छा काम करेगा और यहाँ लाइव भी आता है तो जो अच्छा करता है उसको काम अपने आप यहाँ पर मिलता है। और यहाँ बड़े से बड़ा गायक और छोटे से छोटा गायक यहाँ पर आ चुका है, बड़े से बड़ा नेता भी आ चुका है और छोटे से छोटा नेता भी आ चुका है। और यहाँ नरेंद्र चंचल जी ने यहाँ ओपनिंग की थी और यहाँ केंद्रीय मंत्री, चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर और सब केंद्र के जो मंत्री हैं वो भी आ चुके हैं, निगम पार्षद भी आ चुके हैं, MLA भी आ चुके हैं और MP भी आ चुके हैं, और मेरा सबका सहयोग रहता है। और इस मंदिर में मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो भी आदमी कुछ ना कुछ मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मैं जो आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मेरे को लड़का चाहिए था, लड़का मिला, बच्चों का संस्कार अच्छे मिले और सुख दुख जो मांगा वो मुझे यहाँ से मिला है। और मैं तो ये कहता हूँ आप प्रण कीजिए, कुछ ना कुछ आप जो भी मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। तो मल्होत्रा जी, आपने हमें इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, और ऐसे ही आशीर्वाद आप भी बना के रखें और माता रानी बना के रखेगी। तो जय माता दी, ओम साईं राम। मैंने चाहे मेरी नहीं है।
दोस्तों, जैसा कि आपने भगवान के दर्शन करे, गुफा के दर्शन करे, मंदिर के दर्शन करे और सुभाष मल्होत्रा जी से भी आपने मंदिर के बारे में जाना, जो कि जैसा कि मैंने बताया इस मंदिर के प्रधान और पूर्व निगम पार्षद रह चुके हैं लाजपत नगर में। और ये मंदिर का जैसे बताया लाजपत नगर वन में आना है आपको, और अगर आप इधर आना चाहें तो मेट्रो के माध्यम से जा सकते हैं, मेट्रो भी है। तो दोस्तों, अब मैं खुद दिल से बोल रहा हूँ कि ऐसी विशाल चौकी मैं पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पे इतना सारा फलों का भंडार और इतना सारा प्रसाद बट रहा है, और जैसा कि हमारे को सुभाष मल्होत्रा जी ने बोला कि यहाँ पे हर चौकी में ऐसा होता है। तो दोस्तों, हम आपसे विनती करेंगे, तो अगर आप आ सकते हैं तो इस मंदिर में जरूर आए, दर्शन करें। चौकी करना चाहते हैं तो आप चौकी भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको पीछे वीडियो में बताया गया आप किस तरीके से यहाँ पे चौकी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं, और हम आपको ये बोलेंगे कि अगर आप इस नवरात्र नहीं आ पाए तो अगले नवरात्र आप आए, यहाँ पे माता का आशीर्वाद लें और चौकी का भी आनंद लें, सुंदर सुंदर भजन का आनंद लें और गुफा का भी आनंद लें। और माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखे, हमारी यही आपसे दुआ रहेगी। और जय माता दी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।